हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। ये रीडिंग होगी ओरेकल गाइडेंस की, जो कि सिर्फ एप्लीकेबल होगी आपके वर्क एंड कैरियर लाइफ को लेकर। सो जो भी मैसेजेस हम इस रीडिंग में पिक करेंगे, आई होप उससे आपको आइडिया होगा कि क्या चीज़ें शायद आप गलत कर रहे हो राइट नाउ, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपके जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, ताकि आपके वर्क और फाइनेंसिस को लेके जो इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो रिजॉल्व हो सकें। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर डेली रीडिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पहले इस वाले डेक से। एंड इस रीडिंग में हम टैरो ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ओरेकल कार्ड्स होंगे, जस्ट टू गिव यू एडिशनल ओरेकल गाइडेंस अराउंड योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं ओरेकल की तरफ से, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको शायद अभी ब्लॉक कर रही हैं, या शायद आपको ज़्यादा उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपके वर्क करियर और फाइनेंसिस में जो भी इशूज़ आ रहे हैं उनको आप रिजॉल्व कर सको और अपना पाथ क्लियर कर सको मूविंग फॉरवर्ड। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू गाइस। आप अगर अपनी काम की वजह से, अगर आप अपने बाकी यू नो एक एक चीज़ होती है जब आप कोई चीज़ करना चाहते हो, चाहे वर्क है, फाइनेंसेस हैं, एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, काम से रिलेटेड कोई यू नो नया स्किल आप लर्न कर रहे हो, लेकिन सम हाउ व्हाट यू आर डूइंग अ मिस्टेक इज़ शायद आप अपने उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि आपने अपनी लाइफ से फ़न को जो है एलिमिनेट कर दिया है। इफ़ दैट्स द मिस्टेक दैट यू आर डूइंग, तो मेक श्योर कि यू ऐड सम फन बैक इन योर लाइफ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप हर चीज़ को ओवर क्रिटिकली एनालाइज करके चीज़ें देख रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। उससे आप सिर्फ एक माइंड में मशीन की जैसे रोबोटिक एक एनर्जी लेके चलोगे, वो सही नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि वो चीज़ या वो मिस्टेक आप नहीं कर रहे हो। मेक श्योर यू ऐड अ फन एलिमेंट ऑल्सो इन योर लाइफ। ज़्यादा ऑब्सेस होकर सोचने की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करो कि अपनी लाइफ में बैलेंस जो है वो हेल्दी वे में मेंटेन कर सको। लव, वर्क, होम लाइफ, हर चीज़ों को साथ लेके चलो। अगर आप काम में भी ऑब्सेस्ड हो, काम को लेके भी ऑब्सेस्ड हो, लेकिन आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत का फन का एलिमेंट होना मस्ट है। सो मेक श्योर कि यू डू दैट। यू मस्ट लर्न टू डेलीगेट एंड ट्रस्ट अदर्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हों, आप हो सकता है कि आप मुझे लगता है कि एक ओवर एनालाइज करने वाली एनर्जी है, या आप क्रिटिकली हर चीज़ को एनालाइज करते हो, विच इज़ रॉन्ग। कहीं ना कहीं आपका ये एटीट्यूड आपको काम में भी जो है वो लोग आपसे शायद चिढ़ेंगे इस एटीट्यूड की वजह से। देखो, ये इस तरह की एनर्जीज होती हैं जो आप पिकअप कर सकते हो वर्क प्लेस में भी। अगर आपको कुछ लगता होगा कि ऐसा कोई इंसान है आपके वर्क प्लेस में जो कि हर चीज़ को यू नो थोड़ा नेगेटिव ले जाता है, बिकॉज दे ओवर क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशंस या थिंग्स, आपकी एनर्जी, आप वैसी एनर्जी गिव आउट करते हो, विच इज़ रॉन्ग फॉर यू, फॉर योर कैरियर पाथ। सो मेक श्योर कि अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हो नोइंगली और अननोइंगली, मेक श्योर यू वर्क टूवर्ड्स इट, और उस चीज़ से अपने आप को थोड़ा बाहर निकालो। ट्राई टू ऐड फन एलिमेंट। यू नो इट्स मोर लाइक कि आप शायद 24/7 आपके माइंड में जो है वो आपको जैसे सपोज कोई कहता है कि यू नो उस जगह पे जॉब अवेलेबल है, तो शायद आप उसको सोचोगे कि अगर अवेलेबल है तो इसने क्यों नहीं किया, मुझे क्यों कह रहा है, या इस तरह की चीज़ें। सो आप नेगेटिव डायरेक्शन में शायद ज़्यादा जाते हो, ट्राई कि वो नहीं करो। कुछ लोगों के लिए आपकी आपकी लाइफ में आपकी पर्सन की लक का ऐड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल हो, और अगर अगेन आप यू नो अगर रिलेशनशिप में भी हो, और अगर आप उस रिलेशनशिप को ज़्यादा इग्नोर करो, तो उससे भी आपकी लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी आएगी। तो मेक श्योर अगेन बैलेंस, जहाँ पे जितना ज़्यादा बैलेंस होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके पर्सन की लक आपकी लाइफ में ऐड होना बहुत मुझे लगता है कि जो लोग भी इस रीडिंग को देखेंगे, आपके पर्सन, चाहे अभी आप सिंगल हो, चाहे आप डेट कर रहे हो, मेक श्योर कि आप एक लाइफ में उस स्पेस को रोको नहीं कि यू नो मुझे लव लाइफ में अभी कोई नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम टू फोकस ऑन दिस एरिया ऑफ योर लाइफ। वो आपके लिए लक को स्टॉप करेगा। नाउ अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो, तो कोशिश करो कि अपने आप को ब्लॉक आउट, यू नो इस पर्सन को अपनी लाइफ में आने से ब्लॉक आउट नहीं करो।
दूसरा ये आपकी लाइफ में फाइनेंशियल करियर वाइज आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी पर्सन स्पेसिफिक समवन के आने के बाद बढ़ेगी, चाहे आप लड़का हो या लड़की। और ट्राई करो कि अपना लाइफ इंजॉय करो, ज़्यादा हर चीज़ को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव इन द मोमेंट एज वेल। और कुछ टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करो। और मुझे लगता है कि आप क्रिटिकली जो हर चीज़ को, क्योंकि हर हर यू नो एवरी एवरी वर्ड दैट दिस कार्ड सजेस्ट इज़ लाइक, जैसे आप हर चीज़ में यू नो एक एक डिफरेंट वे में हर चीज़ को सोचते हो जो रियलिटी से हट के होता है। आप ओवर एनालाइज करके थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन जो है वो ज़्यादा है। अ पार्टनरशिप इन अ न्यू और एग्जिस्टिंग वेंचर इज़ पॉसिबल। अगर आपकी लाइफ में आपका पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका कोई फ्रेंड है जो आपको कोई एडवाइस कर रहा है, उसको ज़रूर सुनो, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और शायद हो सकता है कि आप ऑलरेडी काम की वजह से या फिर अदरवाइज आपको किसी ने चीट किया हो सकता है पास में, जिसकी वजह से आप हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हो, उसकी उसकी ट्रू इंटेंशन को, उसने आपको ये सजेशन या एडवाइस दिया तो आप हज़ार दफ़ा सोचोगे कि मुझे उसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगेन, जो हो चुका है फॉरगिव एंड फॉरगेट दैट। एंड जब भी कुछ ऐसा आता है एटलीस्ट थिंक अबाउट इट, शायद उसमें से कुछ अच्छा आपको आउटकम मिले, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं। इसलिए इट्स एडवाइस ट्वाइस और थ्राइस इन दिस कार्ड कि आपको अगर कोई एडवाइस करता है या अगर आप किसी के थ्रू कुछ करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक और चीज़ है, एनर्जाइज द ईस्ट जोन ऑफ योर स्पेस, जनरेट अबंडेंस पॉजिटिव एनर्जी बाय प्लेसिंग सॉरी ऑस्पिशियस आर्टिकल्स। और ट्राई करो कि अपने अंदर थोड़ा नरमी, थोड़ा वार्म्थ लेके आओ टुवर्ड्स द पीपल जो आपके आसपास हैं, थोड़ा यू नो मोर फ्रेंडली हो उन लोगों के लिए। अगेन, जब आप एक नेगेटिव वाइब देते हो, जब आप हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हो या उस तरह की वाइब जब आप देते हो, तो आपसे हर कोई दूर जाएगा, चाहे आप काम के लिए भी जाओगे, यू नो अगर इंटरव्यूज़ के लिए भी अपियर होते हो, तो यू हैव टू लुक प्लेजेंट। यू नो एक वो जो आपकी वाइब है, इट शुड नॉट लाइक यू नो पुल पीपल अवे फ्रॉम यू। यू नो उनको होना चाहिए कि नहीं, दिस पर्सन विल एड सम पॉजिटिविटी इन आर कंपनी। तो वो वाइब आपके अंदर मुझे लगता है कि मिसिंग है। तो अगेन, मेक श्योर यू वर्क ऑन द थिंग्स जो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा इम्प्रूव करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम विद इन, आपका माइंड जो है उसको आपने काम करना है। थोड़ा पॉजिटिविटी के बारे में यू नो एफर्मेशंस आप यूज़ करो, ताकि आप जितना रोबोटिक वे में हर चीज़ को एनालाइज करते हो वो नहीं करना चाहिए आपको। बी वॉचफुल ऑफ वट यू एक्सपेंड योर एनर्जी ऑन। अगैन, नेगेटिविटी, नेगेटिव इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, मेक श्योर कि उसके ऊपर वर्क करो। आप तो हर चीज़ को, हर इंसान को शायद बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हो कि कहीं जैसे हर कोई आपका दुश्मन है। आई डोंट नो वाई दैट वाइब इज़ कमिंग अप, बट वो एक चीज़ है कार्ड्स में, एनर्जी कार्ड्स यू नो इस कार्ड में एम्फसाइज किया गया है इस एनर्जी के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द ब्लॉक फॉर यू राइट नाउ। सो जैसे ही आप पॉजिटिव सोचोगे और हर चीज़ को पॉजिटिव लेके चलोगे, उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। दूसरा है कि जितना आप फ्रेंडली होते हो, जितना आप पॉजिटिव वाइब देते हो, लिव इन द मोमेंट करते हो, इन्जॉय करते हो, इनकॉर्पोरेट करते हो हर चीज़ को अपनी लाइफ में, बजाय इसके कि आप वो एक यू नो कुछ लोग होते हैं जो बुक फॉर्म बन के रह जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं हर चीज़ से, बिकॉज दे हैव टू फोकस ऑन वन एरिया। वो आपने नहीं करना, और अपनी लाइफ में थोड़ा फन ऐड रखो, ताकि जब आप किसी से मिलो तो यू हैव दैट वाइब जहाँ पे पीपल वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ देयर कंपनी और वॉट एवर यू आर अप्लाइंग फॉर, चाहे यूनिवर्सिटी का मामला है या फाइनेंसिस का मामला है। मेक श्योर कि यू गिव अप, गिव आउट द पॉजिटिव वाइब, वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको कहीं ना कहीं कुछ फियर्स हैं जिसकी वजह से, अगेन हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ इस तरह से एक्सपीरियंसेस किए हों जहाँ पे आपको किसी ने चीट कर दिया हो या आपके फ्रेंड ने आपको मिसगाइड कर दिया हो। लेकिन अगेन, आप अगर आप उस फियर को माइंड में, बैक ऑफ योर माइंड रखोगे 24/7, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि यू वर्क ऑन योर फियर्स और अपने अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी इनकॉर्पोरेट करो, अपने थिंकिंग को चेंज करो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। राइट नाउ काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, या कोई भी अच्छा इंसान मुझे यू नो कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं होगा जो आपको गाइड करे या इस तरह की चीज़ें। आपको जो भी चीज़ें राइट नाउ इम्पॉसिबल लग रही हैं, दे आर पॉसिबल। सो अगैन, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अगैन।
लेट्स टेक वन मोर कार्ड. कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि आप वर्दी हो कुछ अच्छा होने के लिए. अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अच्छी अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं, अच्छी यू नो जगह पे आपकी जॉब हो सकती है. सो अगेन इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. आपके अंदर कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और फियर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और नेगेटिविटी का एलिमेंट, उसको आपने रिलीज़ करना है ताकि आप और पॉजिटिव यू नो एक वो वाइब आप में मिसिंग है, एक पॉजिटिव वाइब. क्या जैसे आप किसी भी रूम में एंटर होते हो तो पीपल गेट द नॉट सो पॉजिटिव वाइब फ्रॉम यू, स्पेशली अगर हम वर्क की बात करें. मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रही यहाँ पे, वर्क के बारे में, कि यू डोंट गिव आउट द कॉन्फिडेंट वाइब्रेंट वाइब. यू नो जो लोग आप यू नो अगर आप किसी भी ऑफिस जाते हो, किसी भी बैंक जाते हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान ज़रूर नजर आएगा जो कि वाइब्रेंट है. नाउ वो ऐसा इंसान होगा कि एवरीबडी वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इन देयर ऑफिस या इन देयर यू नो जो भी फर्म है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है. सो मेक श्योर यू आर दैट वन पर्सन. यू नो यू हैव टू बिकम अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द गुड जो भी बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि उसके क्लाइंट्स बढ़ें या जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड आपको आपकी कंपनी को आपके आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो. तो मेक श्योर यू गिव आउट दैट काइंड ऑफ वाइब. सो उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश कर, चाहे लुक्स में है, कॉन्फिडेंस में है, वाइब में है. मेक श्योर कि आप पॉजिटिव रहो उन सारी चीज़ों को लेके. अगेन आपके अंदर शायद फियर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स योर वर्क लाइफ. होप स्टे पॉजिटिव. द वर्स्ट इज़ बिहाइंड यू. लुक अप टू द लाइट. पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा देखने की कोशिश करो. आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो जिसकी वजह से, क्रिटिकल होने की वजह से, आप शायद अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस आउट कर जाते हो. एंड देन आपको लगता है कि शायद इसकी वजह से ऐसा हो गया, जबकि किसी की वजह से कुछ नहीं हो सकता जब तक आप इट ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ यू. किसी के अंदर किसी की उसमें आप कहीं ना कहीं अपने इंस्टिंक्ट को भी शायद फॉलो नहीं करते. यू नीड टू स्टार्ट फॉलोइंग योर गट एज वेल. लेकिन अगैन देखो, गट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका फियर इज़ अ डिफरेंट थिंग. डोंट कन्फ्यूज़ कि आपके गट ने आपको ये गाइड किया था. दैट वुड बी रॉन्ग. राइट ना आपको पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हो हर चीज़ को. इंटरव्यू जाने देने जाने से पहले शायद आप हर चीज़ को इतना ज़्यादा वो करते हो कि पता नहीं क्या होगा. यू नो यू जस्ट नीड टू, स्पेशली वेन यू गो टू गो फॉर इंटरव्यू, अपने आप को रिलैक्स करके जाओ, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करके जाओ एज इफ यू आर लाइक, और उसको ऐसे लो एज इफ के If it works out, wow. If it doesn't, it's fine. Like, you know, उसको आपने सर पे सवार नहीं करना कि ये हो गया वो हो गया. Just go with the positive mindset. Affirmations use करो before you go to work interviews. अगर आप you know अगर आप already hired हो किसी जगह पर और अब आप you know improve करना चाह रहे हो, make sure कि आप अपने अंदर से negativity का element निकालोगे, positive vibe, friendly atmosphere रखोगे office में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. Bad phase मुझे लगता है जो लोग struggle कर रहे हैं finances को लेके, उनका काफ़ी हद तक it's all about to end. लेकिन अगेन आपको कुछ चीज़ें हैं आपको जो जिनके ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आप ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो. आपको बैलेंस लेके आना है अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप एक एरिया ऑफ योर लाइफ की वजह से बाकी एरियाज़ को जो है वो इग्नोर नहीं कर रहे हो. सो और काम पे, स्पेशली अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या वर्क यू नो अभी आप यू आर लुकिंग फॉर वर्क, मेक श्योर कि यू गिव आउट द पॉजिटिव वाइब. और कोशिश करो कि अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो, देर आर सो मेनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑल्सो जो आपको हेल्प कर सकती हैं, गाइड कर सकती हैं कि आप किस तरह से यू नो जब आप ऑफिस में जाते हो या ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर होते हो, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क टूवर्ड, जिससे आप कॉन्फिडेंट वाइब तो दो एटलीस्ट. कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब आप यू नो अगर आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हो अगैन ऑफिस जाने से पहले या किसी भी इंटरव्यू पे जाने से पहले, मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करो एज इफ यू आर गोना रॉकेट. जब आप उठते ही बुरे मूड के साथ हो, स्ट्रेस मूड के साथ हो, नेगेटिव सोच के साथ हो, तो फिर चीज़ें या दिन अच्छा नहीं गुजर सकता. तो मेक श्योर कि आप अपनी अगर रूटीन बना लो, दैट विल बी द परफेक्ट थिंग दैट यू कैन डू, कि आप उठते साथ ही पॉजिटिव यू नो मेडिटेट करो 5 to 10 minutes, और मे बी इन द बेड या यू नो फ्रेश होने के बाद भी आप कर सकते हो. लेकिन use affirmations जो आपको positive vibe दे. You know कुछ भी affirmations बना दो अपने लिए work related, और say those to yourself, repeat them 5 to 10 minutes के लिए भी कर लोगे तो that would be perfectly fine. उससे आप अपनी life में देखोगे कि कितने changes आते हैं, आपकी work life में चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी. अगर आपके colleagues आपको तंग कर रहे हैं, उनके बारे में you can script as well, स्क्रिप्ट करके रख लो, उससे भी आपको आपकी पॉजिटिविटी आ जाएगी लाइफ में. और अगेन पॉजिटिव, जैसे ही यू नो अगर आपको कोई इंसान तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, जब आप उसको
आपको पता है कि दैट्स व्हाट द रियलिटी इज़। लेकिन जब आप सोचोगे कि अगर आप उस इंसान को लेकर थोड़ा पॉजिटिव सोचोगे, ट्रस्ट मी, आपको उसका एटीट्यूड भी चेंज लगना शुरू हो जाएगा। एक दिन करोगे, दो दिन करोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट हैविंग द चेंज इन दैट पर्सन एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इज़ अ मस्ट। अगेन, यहाँ पर मुझे लगता है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, बहुत ज़्यादा, एंड यू फील लाइक कि पता नहीं आप जैसे किसी किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आई डोंट नो, हो सकता है आपको लगता है कि नोबडी लाइक्स यू एट फर फ्रंट एज एज वेल, और आप डाउट करते हो, हर किसी की ट्रू इंटेंशन को डाउट करते हो। इफ दैट्स द केस, अगेन इट्स ऑल स्टेमिंग आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़। उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो, चीज़ें ऑलरेडी वर्कआउट हो जाएंगी। सो या, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।